बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की रेसिपी इतनी झटपट तैयार हो जाती है, इतनी जल्दी और इतनी मज़े की है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चलें जी, यहाँ पे आलू को अच्छे से काट लेने के बाद आपने इस तरह से ग्रेट कर लेना है। ये झटपट ही मिनटों में रेसिपी तैयार होती है। ये देखें जी, इस साइज़ की आपको कटिंग चाहिए। ये देखें, अब इस रेसिपी में अहम काम ये कि आपने इसको पानी में ऐड करके अच्छे से धो लेना है। इसका जो स्टार्च होता है उसको रिमूव कर लेना है। स्टार्च मतलब ये जो पानी धुंधला सा हो जाता है ना, इस तरह से आपने इसको आलू को धोना है तब तक के जब तक ये पानी बिल्कुल साफ ना निकल आए। एक से दो दफ़ा आपको पानी चेंज करना होगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छी तरह से हमने आलुओं को धो लिया है। ये लें जी, अब टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से हम डिवेलप करेंगे। सबसे पहली अहम चीज़ अंडा। अंडा दो तीन काम करेगा, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कौन से हैं। यहाँ पे हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर लेंगे और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे डेढ़ टी स्पून के करीब। ये लें जी, डेढ़ टी स्पून हो गया। अब इसके अंदर हम खुश धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड नहीं कर रहे, ज़ीरा टेस्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ कर देगा, इसलिए उसको रिमूव कर रहे हैं। हल्दी जाएगी 1/2 टी स्पून। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह से पहले इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये लें जी, जो अंडे का पानी है ना, जो अंडे का मॉइस्चर है, उसमें ये मसाले घुल मिल के बहुत अच्छी तरह से आलूओं को लग जाएंगे। अब आपने मैदे को अच्छे से छान कर ग्रेजुअली इसमें ऐड करना है और हाथों की मदद से इसको इसके ऊपर लेप करते जाना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो तकरीबन 1/2 कप ये दो आलू थे बड़े साइज़ के, काफ़ी होगा इसके अंदर। अब थोड़ा सा इसमें कलर ऐड कर देते हैं खूबसूरती के लिए। देखिए, आपके सामने गेस्ट आएँ, आप उनके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट करें या बच्चों के लिए कुछ बनाएं, तो उनमें खूबसूरती जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई करना है और ये देखिएगा कितनी खूबसूरती के साथ इसके ऊपर जो बेसन और अंडा लगा ना, अंडे की वजह से ना इसकी ऊपर वाली जो स्किन है वो थोड़ी सी फूल जाएगी। ये देखें आप, बोल्ड सी हो जाएगी, जिस वजह से ये बहुत खूबसूरत लगेगी। और ये लुक आप देखें, अब देखें एक अंडा और दो आलू, आई डोंट थिंक सो के 20 रुपये से ज़्यादा ये रेसिपी तैयार होगी, 25 रुपये कर लें। लेकिन माशाल्लाह से देखें कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं, कितनी जल्दी तैयार हो गया। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ये प्लेट जब आप गेस्ट के सामने या बच्चों के सामने सर्व करेंगे तो वो कहेंगे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें रहमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो पोटैटो स्नैक्स की शानदार रेसिपी तैयार है। इसी तरह 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए, यम्मी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, पुलाव की रेसिपी के लिए और केक की रेसिपी के लिए हमारे चैनल की वीडियो सेक्शन में जाएँ। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।